हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज। आप देख रहे हो टेक क्यू एन करेटर, और मैंने ये वीडियो बनाई है बाइक को मॉडिफाई करने के बारे में। ये टीवीएस राइडर, अपन इसकी अलॉय व्हील को कलर करेंगे आज। हम लोग सीट येलो कलर करेंगे, फ्रंट वाले को और बैक साइड वाले को अपन करेंगे ब्लैक कलर करेंगे, और इसमें अपन स्टिकर भी लगाएंगे बाइक के, और देखेंगे कैसा लुक आता है बाइक का कलर होने के बाद। और आज अपन इसमें करने वाले हैं ये कलर, इसमें आप देख सकते हो कलर के बारे में, ये फ्लोरोसेंट येलो कलर, और अपन ब्लैक कलर करेंगे साथ में ये वाला कलर, जिसमें देख सकते हो आप कलर के बारे में। ये दोनों कलर करेंगे अपन इसमें टीवीएस राइडर के बाइक में अपने में, और मैं ना यही बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी बाइक को कलर करना तो आप वीडियो को देखते लीजिए, और ये टीवीएस की राइडर है, मैं आपको उसके लुक को दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बाइक का लुक दिखा देता हूँ, जिसपे अपन जिसके अलॉय व्हील को आज अपन कलर करने वाले हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने इसमें ऑरेंज कलर करके दिखाया था आपको बाइक में, आप इसके लुक को देख सकते हो। और इसके बैक साइड को भी दिखा दो आपको, ये भी ऑरेंज कलर में, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, ये बाइक का लुक है, ये टीवीएस की राइडर है। और जैसे कि आपको मैं फ्रंट से भी दिखा दूँ इसका लुक को, देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, जो आप ये इसके टैंक पे जो स्टिकर देख रहे हो, अगर आपको पसंद है तो आप भी करा सकते हो अपनी बाइक में ये स्टिकर मार्केट से। स्टिकर लगने के बाद बाइक बहुत अच्छी लग रही है, जैसे कि आपने नोटिस करा होगा। और स्टिकर जो आप कराना चाहते हो कौन से भी कलर में करा सकते हो, जो आपको पसंद हो। टीवीएस राइडर राइडर लिखा हुआ है ये देखो, और ये टैंक के ऊपर आप स्टिकर दे सकते हो, ये पूरा बाइक का लुक है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को टायर खोलना है, इनको दोनों टायर को अपन खोल के कलर करेंगे। गाड़ी पे खड़े खड़े कलर नहीं करना है कभी भी, इससे गाड़ी का टायर भी ख़राब होता है और गाड़ी पे भी स्प्रे लगने की दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अगर जब भी कलर करो तो बाइक के टायर को खोल के कलर करो, या फिर आप शॉप पे भी करा सकते हो कलर चाहे हो तो। अगर आपको लगता है कि अपन से नहीं हो पाएगा कलर तो आप शॉप पे करा सकते हो कलर इसका। ये अपनी रिम है जिसपे अपन को आज कलर करना है, इसको मैंने ओपन कर लिया है, आप इसके लुक को देख सकते हो अभी जो ऑरेंज कलर में अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन को टेप लगानी टायर पे, उससे क्या होता है कि जब अपन स्प्रे कलर करते हैं तो कलर टायर पे नहीं लगता है, मतलब टेप से क्या है सेफ्टी रहती है टायर की, और कलर करना भी आसान होता है अपने इसके साथ। तो दोस्तों, अब कलर करने को स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन इस पर वाइट कलर करेंगे, वाइट कलर की इसलिए करते हैं क्योंकि जब अपन फ्लोरोसेंट येलो कलर करेंगे ना, तो अगर अपन ऑरेंज पे करते हैं या ब्लैक पे करते हैं तो वो ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए सबसे पहले वाइट कलर करना है अपन को रिम पर, जिसके आप वीडियो में देख रहे हो। और दोस्तों, ये अपना मेन पार्ट आप देख सकते हो, ये एब्रो कंपनी का कलर है जो कि अपन आज ये रिम पर करने वाले हैं। ये येलो कलर है, आप इसकी क्वालिटी को देख सकते हो कैसा लग रहा है रिम पे कलर। ये मार्केट में अपन को 180 रुपये का मिलता है, और अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ये आपके 240 के समथिंग पर आएगा मार्केट में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो हो सके तो अपने मार्केट से ही खरीदना अच्छा रहता है ये।
दोस्तों अपना येलो कलर हो चुका है रिम पर, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है ये। और पीछे की रिम को अपन को ब्लैक कलर करना है अपने अकॉर्डिंग है। अगर आपको येलो कलर पसंद है तो आप येलो कलर कर सकते हो दोनों रिम पे, मैंने तो ब्लैक कलर करा है अपनी रिम पे बेक वाली पे। दोस्तों रिम पे कलर हो चुका है, ये फ्रंट व्हील है, इस पे अपन ने येलो कलर किया है और ये बैक रिंग में इसमें मैंने ब्लैक कलर किया है। आप इसके लुक को देख सकते हो, अपन को इसको 20 से 25 मिनट तक सूखने देना है ताकि कलर अच्छे से चिपक जाए रिम पर। अब बस टायर को फिट करना है रिम में, कलर सूख चुका है अपने अच्छे से और मैंने इसकी टेप को भी हटा दिया है। आप इसके लुक को भी देख सकते हो साथ में और मैं आपको दूर से भी इसका लुक दिखा देता हूँ कि बाइक कलर होने के बाद कैसी लग रही है। और दोस्तों अगर आपको भी पसंद आया ये कलर तो आप भी अपनी बाइक में कर सकते हो ये कलर, चाहे आपके पास कौन सी भी बाइक हो, जरूरी नहीं टीवीएस राइडर हो उसमें कलर कर सकते हो आप। अपनी जो भी बाइक है आपके पास उसमें आप कौन सा भी कलर कर सकते हो अपनी रिम पर जो आपको पसंद है। और दोस्तों मुझे कलर करने में 360 रुपये का खर्चा आया है इसमें, स्प्रे की दो बोतल लगती है इसमें अपने, एक बोतल 180 की पड़ जाती है मार्केट में, अपन को नॉर्मल मिल जाती है अपन को कहीं पर भी है। और आपको बाइक का लुक कैसा लगा कमेंट में बताना मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल टेक क्यू एंड क्रिएटर को सब्सक्राइब भी करना।